ऑल इंडिया मसूरी ओपन कराटे चैंपियनशिप में खातेगांव के रौनक ने बाजी मारी। खातेगांव के रौनक यादव ने 17 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 कांस्य मेडल जीतकर नगर का नाम रोशन किया। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर के युवा प्रतिभावान छात्र रौनक पिता विनोद यादव ने एक बार फिर खातेगांव नगर का नाम रोशन किया। रौनक के पिता विनोद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 वर्षीय रौनक यादव तात्या टोपे एकेडमी भोपाल की ओर से खेलते हुए रौनक ने 27 अक्टूबर को मसूरी उत्तराखंड में तीसरी ऑल इंडिया मसूरी ओपन कराटे चैंपियनशिप 2018 में जीत का परचम फहराया। रौनक ने लगातार सफलता अर्जित कर खातेगांव नगर का गौरव बढ़ाया। रौनक ने 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कप भोपाल में गोल्ड मेडल जीतने के पहले 16 अक्टूबर को गोवा में ऑल इंडिया चैंपियनशिप कराटे प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सफलता का परचम फहराया था। रौनक को भोपाल के कमला नेहरू विद्यालय में लगातार 2 वर्षों तक बेस्ट प्लेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गोवा गया, गोवा में ऑल इंडिया चैंपियनशिप जो हुई है उसमें गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अभी 27 अक्टूबर को मसूरी में ऑल इंडिया ओपन जो चैंपियनशिप थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। और उसने अभी तक कई राज्यों में जैसे भुवनेश्वर कटक गया था, वहाँ से मेडल जीता। हिमाचल प्रदेश गया था, सोलन में जीता। महाराष्ट्र बम्बई गया था, वहाँ से जीता। ऐसे कई राज्यों में जीता। और पूर्व में वो दुबई भी गया था, वहाँ से भी मेडल जीत के आया।